धान की फसल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए रहती है खरपतवार। जो खरपतवार की समस्या इतनी बड़ी रहती है कि किसान भाई उसकी निराई करवाते करवाते थक जाते हैं, और कई सारी तो ऐसी घास होती है कि जो अगर हम उसको निराई करवाते हैं तो उसके गांठों से भी टूट जाती है बीच में से, जो बढ़िया तरीके से निराई नहीं हो पाती है। कुछ घासों को जो चौड़ी पत्ती वाली घास होती है उसके लिए टैगमिक्स का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारी जो घास होती है उसके लिए हम बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC, अगर ब्रांड नेम की बात कहे तो टैगबिन या नोमनी गोल्ड, और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रांड नाम से आती है। तो उसके इस्तेमाल करने के बाद भी जो अगर कुछ घास छूट जाती है, जो कुछ घास नहीं मार पाती है, तो आज हम उस घास के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही कुछ घास हैं जिसके बारे में हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे नंबर पहले जो आता है, इस घास को बोलते हैं पनधूब, और स्थानीय भाषा में इसको लेहा, बजो, हटूभांगा आदि नाम से जाना जाता है। इस घास की जो खासियत है, ये घास बहुत जल्दी खेतों में बहुत जल्दी बढ़वार करती है, और अगर जब इसको हम इस निराई करवाने जाते हैं तो इसकी गांठें बीच से टूट जाती है, इस तरीके से टूट जाती है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से इसकी निराई नहीं हो पाती है। दूसरे घास की बात करें तो ये सकरी पत्ती वाली घास आती है जो कि बिस्पायरीबैक सोडियम से नहीं जाता है। इसके लिए ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी एक दवा बनाती है जिसका नाम है टैग बेंचर। इसका प्रयोग करने के बाद में कैसा रिजल्ट है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गुरजीत सिंह, ग्राम देवीपुरा, तहसील हमारी सुनखरी नानकमता, उद्धम सिंह नगर, उत्तराखंड के हम रहने वाले हैं। हम ये किसान हैं, हमने इस दवा को यूज किया है, तो टैग वेंचर जिससे हमें इतनी इसकी सुविधा मिली है। इस घास से ही आपके सामने ये घास, जितनी भी 3 से 4-5 घास आती है, इस घास को इस दवा ने बिल्कुल इतनी बढ़िया रिजल्ट दिया है जिसका कोई कहना नहीं है। हम लोग इसमें 5 से 7 हज़ार रुपए प्रति खर्चा करते थे जो लेबरों को देते थे, जिसमें हमारा 1/4 खर्चा ही बचा है, जिससे ये घास बिल्कुल जला के खाक कर दिया। इस घास में आप पूरे खेत में देख सकते हैं, जरा नीचे बिल्कुल नीचे करके देखिए, ये आपके सामने हर एक किसानों से हम कहते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले तो मोथा की समस्या थी, ये मोथा भी गल चुका है, बाकी ये पनधूब है, पनधूब भी ये गल के लगभग खत्म हो गया है। ये खत्म होने के कगार पे है। अगर हम दूसरी सकरी पत्ती का अगर करें बात, तो ये जो देखिए दूसरी सकरी पत्ती भी ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। कई तरीके का घास ये लगभग खत्म हो गया है। तो आप बताइए भाई साहब कि इस वाले दवा से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 110% शुद्ध है, क्योंकि हमें इस घास से इतनी बिल्कुल खत्म हो गया जड़ से, ये दवा बिल्कुल आपकी बेस्ट है। हम तो जितने किसान भाई हैं ऑल वर्ल्ड में, हमारे उत्तराखंड में से लेके यूपी तक, सबसे ये अनुरोध करेंगे इस दवा को यूज कीजिए। इस दवा का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और आप डाल के देखिए, बिल्कुल नराई से आजाद हो जाएंगे, लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, जितने ये खर्चे हमारे बिल्कुल बचेंगे, और आप इसे यूज करके देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये टैग बेंचर का जो प्रयोग आपने धान में किया था, तो इसका डोज आपने क्या रखा था? ये हमने प्रति 1 एकड़ में 0.5 लीटर डाली है, 6 से 7 टंकी हमने इसको बनाकर डाला है, और 150 लीटर पानी में आपके इसके एक एकड़ में, जी जी, आधे लीटर में, और 1 एकड़ में 0.5 लीटर पड़ती है। बिल्कुल कतई, बिल्कुल जला के बिल्कुल खत्म कर दिया इस घास को।